हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास लीग ऑफ लीजेंड में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडो सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए प्रोसेस कम्प्लीट होने तक। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, फिर आपको इस सेटिंग को भी क्लोज करना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर इस तरीके से आपको टाइप करना है। उसके बाद जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, फिर ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है अल्टरनेट DNS सर्वर, आपको इस तरीके से टाइप कर कर ओके कर देना है। फिर आप यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली लीग ऑफ लीजेंड का एरर रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।